गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शत्रु वशीकरण प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे साधक एक सफ़ेद रंग के कागज या भोजपत्र पर सिर्फ 9 अक्षर लिखकर किसी भी शत्रु का वशीकरण करके उस शत्रु पर नियंत्रण कर सकता है। दुश्मन को वश करने का यह सबसे सरल और आसान तरीका है, जिनका प्रयोग करने से बिना लड़ाई झगड़े करके दुश्मन को काबू में लाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस वशीकरण प्रयोग को किसी भी दिन किया जा सकता है और इसे करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा विधि करने की आवश्यकता नहीं है। साधक ने सवेरे स्नान करके आगे बताए हुए 9 अक्षरों को एक छोटे से भोजपत्र के टुकड़े पर रक्त चंदन की पेस्ट से एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े से लिखना है या एक सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही के पेन से लिखना है। इसके बाद इस कागज को अपने सामने रखकर उसके सामने घी का दिया और धूप या अगरबत्ती प्रज्वलित करनी है और फिर उसके सामने थोड़े से ताज़े फूल अर्पित करने हैं। यह प्रयोग करते समय या प्रयोग करने के बाद किसी भी प्रकार की प्रार्थना या मंत्र को बोलना नहीं है। सिर्फ इस वीडियो में जो विधि बताई है उतनी ही करनी है। इसके बाद आपको उस कागज के टुकड़े को या भोजपत्र के टुकड़े को लैमिनेट करके अपने जेब में या बटुए में रखना है। यह एक सरल लेकिन आजमाया हुआ वशीकरण प्रयोग है, जिसको अगर प्रबल इच्छा शक्ति और पूरे आत्मविश्वास के साथ किया जाएगा तो किसी भी दुश्मन या प्रतिस्पर्धी को बिना लड़ाई झगड़े या बहस से मोहित करके वशीकरण के बंधन में लाया जा सकता है। इस वशीकरण तंत्र की जानकारी हमने पहली बार सन 2013 में हमारे साइट पर प्रकाशित की थी और हमारे बहुत सारे वाचकों को इसका लाभ मिला है। इस तंत्र के बारे में हमने इस चैनल पर भी जानकारी दी थी, लेकिन यह इतना सरल और सटीक प्रयोग है, इसके लिए हमारे दर्शकों के लिए इसकी हिंदी में जानकारी दी है। अब मैं आपको 9 अक्षर सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान रहे कि इन अक्षरों को आपको सिर्फ हिंदी में लिखना है, यानी कि जिस तरह से वीडियो में लिखा है उसी तरह से लिखना है। इसीलिए मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं दिया है। यह 9 अक्षर इस तरह से है, ध्यान से सुनिए। ओम खह खह, ओम 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 खह खह, ओम खह खह, ओम 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 खह खह। फिर से एक बार सुनिए। ओम खह खह, ओम 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 ओम
खोहो खोहो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।